साक्षी ने भी बराबर जवाब दिया, बोले पीपी की फिल्म 5 बार लग चुकी है, अब कोई मुफ्त में टिकट मिलने पर भी इसे देखने को तैयार नहीं है। उन्होंने करप्शन के खिलाफ जंग में नाकामी का एतराफ भी किया। ना चाहते हुए भी कह देते हैं दोनों को, छोटे जरदारी को भी बड़े को, अलविदा अलविदा आसिफ जरदारी, अलविदा अलविदा। पीपी की फिल्म तो 5 दफा लग चुकी है, लोग देख चुके हैं, अब थक गए हैं, नहीं देखना चाहते, अब बुलाते हैं मुफ्त टिकट के दिखाते हैं, लोग देखना नहीं चाहते। इनका ख्याल था कि हम सिंध से निकलेंगे, एक जम्मे गफीर होगा, सिंध के अपने दौरे को मुख्तसर करते हुए वो पंजाब दाखिल हुए, और कल शाम मुल्तान में जो उनके साथ हुआ, मैं सिर्फ हमदर्दी ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। बिलावल खिताब कर रहे हैं और पूरी पीछे कुर्सियां खाली पड़ी हैं। बावकार पाकिस्तान बनाने के लिए दयानतदार कयादत चाहिए, लुटेरे नया पाकिस्तान नहीं बना सकते, लूट सकते हैं। शायद हम उस मजबूती से चोरों पर गिरफ्त नहीं डाल सके जो हमें डालनी चाहिए थी। करप्शन के वो हज था वो हासिल नहीं कर सकते जो इमरान खान करना चाहता था। इमरान खान तनहा, माफिया यकजा, इमरान खान तनहा, इदारे रुकावट, हर इदारा रुकावट बना हुआ है। पीपल्स पार्टी अवामी मार्च का रुख डी